जो एग्जिस्ट बताया है उससे अच्छा है, ऐसा लग रहा है, अच्छा माहौल बन रहा है, अच्छा मैं उत्तर ही देता हूँ। और बताओ अभी तो देखो स्थिति बड़ी अजीब है राजस्थान के अंदर, गवर्नेंस की तो ध्यान दे नहीं रहे, डेंगू फैल रहा है, डेंगू डेंगू मर रहे हैं, तो सरकारी पार्टी और मेरी हेल्थ को लेकर शिक्षा को लेकर वो स्थिति है नहीं। जोधपुर में तो दिव्यांग यूनिवर्सिटी हमारी थी, अब मिश्रक जनों की विश्वविद्यालय खोला हमने, पता ही नहीं है, फिल्टर यूनिवर्सिटी का पता नहीं है। तो जो स्थिति हमने जो अनाउंस की हमारे जोधपुर के लिए थर्ड फेज ये काम बहुत धीमा चल रहा है, तो स्थिति बड़ी नाजुक है। और अब तो हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में रह के भूमिका अदा करेंगे। सर संजीवनी घोटाले में, सर संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह जी शेखावत को जिस तरह मैंने मेरा पेज कर दिया था, दे दिया मैंने, आप देख लीजिए पेज नंबर देख लीजिए। हरियाणा सरकार जो चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो चल रही है, सर मौजूदा क्षेत्रों में एग्जिट पोल के जो आए परिणाम आए, कुछ अच्छे परिणाम रहेंगे ऐसा लगता है। सर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार चल रही है, जिस कैसे चल रही है, आप क्या कहेंगे? सरकार नहीं, सरकार सरकार से है, कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई एमएलए इस्तीफा देने की धमकी दे रहा है, और मुख्यमंत्री जी को चाहिए दौरे कुछ कम करे, वो भी अब कम कर रहे हैं दिल्ली जयपुर के बीच में। तो मैं समझता हूँ गवर्नेंस करने का भार 9 महीने हो गए उनको भी, अब गवर्नेंस जम के करनी चाहिए, लोगों को रिलीफ मिले, बड़ा लोगों को तकलीफ होती है। चाल चरित्र तो चेहरा की बात करती है पार्टी, उसके लिए तो पहले ठीका पड़ गया, चाल चरित्र चेहरा सब ठीक है। सर